गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टडी, टुडे वी विल रीड लेसन वन ऑफ क्लास सिक्स, कासिम एंड अली। अब इस स्टोरी में मैं आपको बताता हूँ कि कासिम और अली एक जो फ्रेंड्स हैं उनके बीच में क्या बैट लगी है और वो बैट एक दूसरे से कैसे रिस्पॉन्सिव होंगे या कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, कैसे रिप्लाई करेंगे एक दूसरे से। मैं उसके बारे में आपको एक कहानी बताता हूँ। आप इस कहानी को सुनते जाइए, समझते जाइए। मैं लाइन बाय लाइन इंग्लिश में पढ़ता हूँ, उसके बाद इसका हिंदी मीनिंग आपको बताता हूँ। ओके। वन मॉर्निंग कासिम एंड अली हैड नथिंग टू डू। एक सुबह कासिम और अली के पास में कुछ भी नहीं था करने के लिए। कासिम सेड टू अली, कासिम ने अली से कहा, लेट्स आस्क क्वेश्चन, चलो हम जो हैं एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं, सवाल पूछते हैं। If I ask you a question and you cannot answer, यदि मैंने तुमसे कोई सवाल पूछा, कोई क्वेश्चन पूछा एंड तुमने जवाब नहीं दिया, तुमने आंसर नहीं किया, you will give me one marble, तो तुम मुझे एक मार्बल दोगे। अब यहाँ आप पूछोगे कि मार्बल क्या होता है। मार्बल आपने देखा होगा, कंचे जो आप खेलते हैं बचपन में, या कुछ गांव के बच्चों को नुक्कड़ पे खेलते हुए देखते हैं, चौराहे पर खेलते हुए देखते हैं, तो कुछ बच्चे खेलते रहते हैं ना मार्बल्स, जो रंग बिरंगे होते हैं, कुछ डार्क ग्रीन कलर के होते हैं, येलो कलर के भी होते हैं, मतलब जो रंग बिरंगे कांच के जो बॉल्स होते हैं उनको हम मार्बल कहते हैं। बट इफ़ यू आस्क मी अ क्वेश्चन, और यदि तुमने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा एंड आई कैन नॉट आंसर, और मैंने जवाब नहीं दिया, आई विल गिव यू 10 marbles, तो मैं तुम्हें 10 marbles दूंगा। ये सब बात किसने कहा? कासिम ने अली से कहा कि यदि कासिम जो है वो अली से कोई सवाल पूछता है और अली उसका जवाब नहीं देता है तो अली कासिम को एक मार्बल देगा, सिंगल मार्बल। लेकिन यदि अगर अली जो है, अली ने कासिम से सवाल पूछा और कासिम ने उसका जवाब नहीं दिया, तो कासिम बदले में उसे कितने मार्बल देगा? 10 marbles प्रोवाइड करेगा। ओके। देन अली अग्रीड, अली जो है वो तैयार हो जाता है, अली सहमत हो जाता है इस बात से। कासिम हैड रेड अ बुक ऑफ रीडर्स द डे बिफोर। जिस दिन कासिम ने अली से शर्त लगाया, बैट लगाया, उसके एक कुछ समय पहले ही, कुछ दिन पहले ही उसने एक रीडल्स बुक ऑफ रीडल, कहने का मतलब क्या है, पहेलियों से भरी किताब, उसने जिसमें बहुत सारी पहेलियाँ होती हैं उस किताब को पढ़ा था। हिज माइंड वॉज फुल ऑफ इंटरेस्टिंग रीडर्स दैट ही हैड लर्न फ्रॉम इट। उसके दिमाग में बहुत सारी पहेलियाँ चल रही थी, बहुत सारे सवाल चल रहे थे जो कि बहुत ही ज़्यादा रोचक थे, इंटरेस्टिंग थे। एंड ही न्यू डैट, और वह जानता था डैट कि अली डिड नॉट नो एनी रीडर्स, और अली जो है वो कोई भी पहेली नहीं जानता है। सो ही वॉज श्योर ऑफ एन ईजी विक्ट्री। विक्ट्री मीन्स होता है जीत, और ईजी यानी होता है आसानी से। तो कासिम को अच्छे से पता था कि अली को किसी सवाल का जवाब नहीं पता होगा और वो बहुत ही ईजीली जीत जाएगा। कासिम आस्क्ड, कासिम ने पूछा, वॉट इज़ अ कॉमन बिटवीन अ डॉग एंड अ ट्री। अब कासिम का सवाल क्या था बेटा, कॉमन चीज़ पूछ रहा है वो, कॉमन यानी जो दोनों में एक जैसा हो। एक डॉग में, डॉग मीन्स होता है कुत्ता, एंड अ ट्री, ट्री मीन्स होता है पेड़। एक पेड़ के बीच में और एक कुत्ते के बीच में ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि कॉमन है, जो दोनों में होती है, सिमिलर। अली डिड नॉट नो द आंसर, अली को इसका जवाब नहीं पता था। सो कासिम टूक अ मार्बल फ्रॉम हिम, तो कासिम ने उससे एक मार्बल, एक कंचा जो है, एक मार्बल रंग बिरंगा कंचा जो मैंने आपको बताया वो ले लेता है। अली आस्क्ड, अली ने पूछा, किससे पूछा, अली आस्क्ड हिम, अली ने कासिम से पूछा, इफ़ ही न्यू द आंसर, जो जवाब उसे पता है वो बताने के लिए कहा ऑब्वियसली। कासिम केम आउट विद द आंसर, अब कासिम ने उसे जवाब बताया, द बार्क, द बार्क। अब ये बार्क कैसे कॉमन हुआ ये भी जान लीजिए। बार्क कहने का मतलब ये है बेटा, जो डॉग जब भौंकते हैं, चिल्लाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, बार्क करना कहते हैं, द डॉग बार्क्स कहते हैं। डॉग बार्क मतलब कुत्ते जो होते हैं वो भौंकते हैं। ओके। और ये इसी बार्क का मीन्स होता है इंग्लिश में, जो पेड़ों की जो छाल होती है, जो तने के ऊपर एक ऊपर काली कलर की परत होती है या भूरे कलर की या किसी किसी में सफ़ेद कलर की जो परत होती है, उसे हम बार्क कहते हैं, मतलब पौधे की और पेड़ों की छाल। तो ऐसे ये कॉमन हो गया दोनों में। नाउ कासिम आस्क्ड द सेकेंड क्वेश्चन, कासिम ने दूसरा सवाल पूछा, वॉट इज़ द थिंग विच,
ऐसी कौन सी चीज़ है? इफ़ यू नॉक आउट इट्स आई, अगर तुम इसकी आंखें हटा दो, आई कह रहा है ना, आई को आप दो फॉर्म्स में भी, दो वेरिएंट में भी लिखते हैं अपन, अभी मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में भी। हैज़ ओनली द नोज़ लेफ्ट, अभी क्वेश्चन क्या पूछा है उसने, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें से अगर हम उसकी आंखें हटा दें तो सिर्फ नाक ही बचेगी, है ना, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें अगर हम आंखें हटा देते हैं तो उसमें सिर्फ नाक बचेगी। अब आप इसको क्लियरली अंडरस्टैंड कीजिए। अगेन अली डिड नॉट नो, अब क्या है, अली को पता नहीं था क्या चीज़ है, ये सवाल का जवाब भी उसे नहीं मालूम था। टेकिंग अनदर मार्बल फ्रॉम अली, उसने अली से दूसरा मार्बल फिर ले लिया। कासिम गेव द आंसर, कासिम ने आंसर दिया नॉइस, नॉइस मीन्स आवाज़। अभी आप यहाँ पर नोटिस कीजिए, नॉइस के स्पेलिंग लिखा हुआ है एन ओ आई एस ई, अब आई कहाँ है और ये क्या लिखा हुआ है बेटा, आई लिखा हुआ है। अगर हम इस आई को यहाँ से हटा देंगे, देखिए मैंने पेंसिल की पॉइंट रख दिया है उस पर, अब आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि वहाँ क्या स्पेलिंग लिखी हुई है, एन ओ एस ई नोज। अगर हम नॉइस की स्पेलिंग में से आई को नॉकआउट कर दें, दैट मीन्स हटा दें, तो हमारे पास क्या बचेगा, नोज बचेगा। दैट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यही इस सवाल का जवाब है। इफ़ यू नॉकआउट आई ओनली नोज इज लेफ्ट, अगर आप आई को हटा दोगे तो नो नोज, दैट मीन्स नाक ही बचेगी, आई मीन्स आई, और ये देखिए यहाँ पर भी आई लिखा हुआ है, तो हमने आई को हटा दिया यहाँ से, तो हमारे पास क्या बचा, नोज। कासिम आज द थर्ड क्वेश्चन, अब कासिम जो है फिर से एक और तीसरा सवाल पूछता है, वॉट वर्ड इन इंग्लिश इज वन माइल लॉन्ग, ऐसा कौन सा शब्द है अंग्रेजी में, ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि वन माइल लॉन्ग है, मतलब इतना लंबा शब्द कौन सा है, ओके कि इतना लंबा शब्द बताओ। अब अली जवाब देता है उसका, अली केम अप विथ अ नंबर ऑफ लॉन्ग वर्ड्स, उसने बहुत बड़े बड़े शब्द बताए, बहुत लंबे लंबे वर्ड्स बताए कासिम को, बट ऑफकोर्स लेकिन क्या हुआ, नन ऑफ देम वॉज अ माइल लॉन्ग, उनमें से कोई भी शब्द ऐसा नहीं था जो कि वन माइल लॉन्ग हो। ही हैड टू पार्ट विथ अनदर मार्बल, अब क्या हुआ, उसको एक और मार्बल कासिम को देना पड़ा। कासिम गेव द आंसर, कासिम ने जवाब दिया स्माइल्स, स्माइल्स स्माइल्स मीन्स, अब देखिए ये फर्स्ट वाला एस और ये लास्ट वाला एस, इन दोनों को अगर हम रिमूव कर दें तो इसके बीच में माइल्स है, तो ये शब्द जो हो गया वन माइल लॉन्ग हो गया। बिटवीन द फर्स्ट लेटर एंड द लास्ट लेटर देयर इज़ अ माइल, एक माइल जो है वर्ड ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है, वन माइल इज इक्वल्स टू, ओके कि वन माइल लॉन्ग हो गया ये वर्ड, तो ये उसका आंसर था। ऑल दिस टाइम, इस पूरे समय में जब तक कि उसने, कासिम ने अली से तीन क्वेश्चन पूछे, 1 2 3, एक डॉग वाला क्वेश्चन पूछा उसने, सेकंड क्वेश्चन उसने नॉइस वाला पूछा, थर्ड वाला क्वेश्चन उसने स्माइल्स माइल्स वाला क्वेश्चन पूछा है, तब तक के अली वॉज थिंकिंग हार्ड टू फाइंड अ रीडर दैट ही कुड आस्क, अब अली जो है इतने समय में ऐसा क्वेश्चन सोच रहा था जिससे वो पूछे और कासिम उसका जवाब न दे पाए। इन द एंड ही आस्क्ड, आखिरी में अली ने उससे पूछा, वॉट इज अ कॉमन बिटवीन एन एलिफेंट एंड अ फाउंटेन पेन, ठीक है, अब अली ने पूछा कासिम से, कासिम तुम मुझे बताओ कि क्या चीज़ कॉमन है एक हाथी के बीच में, एन एलिफेंट और अ फाउंटेन पेन, एक फाउंटेन पेन और हाथी के बीच में क्या चीज़ है, बताओ कॉमन क्या है। कासिम वॉज टेकन अ बैक, कासिम को शॉक लग गया, झटका सा लगा उसे, ही डिड नॉट एक्सपेक्ट अली टू नो एनी रीडल, क्योंकि कासिम को क्या लग रहा था कि अली को तो एक भी क्वेश्चन, एक भी रीडल, एक भी पहेली नहीं पता है, तो उसको शौक लग गया, अरे इसको कैसे क्वेश्चन बन गया, इसने कुछ क्वेश्चन बना लिया। ही हैड नो आइडिया, उसको बिल्कुल भी पता नहीं था, कोई आइडिया नहीं था उसके दिमाग में, कोई आइडिया नहीं आ रहा था, वॉट वॉज कॉमन बिटवीन एन एलिफेंट एंड अ फाउंटेन पेन, एक हाथी के बीच में और एक फाउंटेन पेन के बीच में क्या कॉमन है, उसके दिमाग में बिल्कुल कोई भी आइडियाज नहीं आ रहे थे। सो ही गेव अली 10 मार्बल्स, तो कासिम ने अली को कितने मार्बल दे दिए, यहाँ पर 10 मार्बल्स दे दिए। वॉट इज द करेक्ट आंसर, अब कासिम ने अली से क्या पूछा, इसका सही आंसर बताओ, सही जवाब क्या है इसका बताओ। ही आस्क्ड, उसने पूछा, किसने, कासिम ने पूछा, किससे पूछा बेटा, अली से पूछा। आई डोंट नो माई सेल्फ, अब
अली ने क्या जवाब दिया? सैड अली। अली कहता है मुझे भी नहीं पता। देन गिविंग कासिम अ मार्बल, और उसने क्या किया, कासिम को एक मार्बल दे दिया। ही एडेड, उसने आगे कहा दिस इज़ अवर एग्रीमेंट, यही हमारा एग्रीमेंट था, यही हमारा एग्रीमेंट था कि अगर तुम मुझसे कोई सवाल पूछोगे, दैट मीन्स कासिम अगर कोई सवाल पूछेगा अली से और अली ने जवाब नहीं दिया तो अली को सिंगल मार्बल देना पड़ेगा, लेकिन अगर अली ने कोई सवाल पूछा है और कासिम ने जवाब नहीं दिया तो कासिम को कितने पेड करना पड़ेंगे, 10 मार्बल्स। दैट वॉज द एग्रीमेंट, यही उनकी बैट लगी थी।